सरवेन, एक दो बातें और अगर आप बता दें, फिर उसके बाद और लोगों से भी हम लोग सुन लेंगे। जो पूरा जो ये बात बार बार सुनने को आती रहती है कि जो पूरा एक सोशल इमोशनल डायमेंशन है, जो कि पहले एक तरीके से स्कूली शिक्षा के दायरे में कम ही देखा जाता था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और ऐसी स्थिति में हो गया जहाँ शिक्षक खुद ही कई तरह की मुश्किलों से गुजर कर आए हैं। सो ये तो एक तरीके से स्कूली व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं रही है कि हम लोगों के भावनात्मक पहलू की देखभाल करें, लेकिन अब वो एक उभर कर आ रही है, बन रही है, क्योंकि स्कूल की जिम्मेदारी ये भी है कि वो बच्चों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करे, सेफ्टी का भी हिस्सा एक तरीके से ये है। तो इसके बारे में और ये वाली स्थिति के बारे में कि आगे जिस तरह के क्लाइमेट इवेंट्स होने की संभावना है, जैसे बिहार में हुआ या और जगह हो रहा है, तो स्कूल की नियमितता पे असर तो पड़ेगा ही। तो इन दोनों पहलुओं पे अगर आप कुछ प्रकाश डालें तो अच्छा रहे। दो चीजें आपने कही हैं, सोशल इमोशनल पहलू पे और और एक इंस्टेबिलिटी ऑफ स्कूल कंटिन्यूटी, मतलब जो स्कूल है ना वो कंटिन्यूअस रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है अगले कुछ सालों के परिप्रेक्ष्य में। सोशल इमोशनल और जो इंस्टेबिलिटी वाला जो इश्यू है उस पे मैं स्पष्ट कहता हूँ कि हमें काम करना बाकी है। पीछे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जब इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मेरी बात हुई, स्पेशली जो साइको सोशल एलिमेंट है उस पे हमें काम करने की जरूरत है। बच्चों को किस तरह के ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है, उसकी कैसे भरपाई हो सकती है, कैसे उनको रीअश्योर किया जाए और कर सकते हैं, इसके लिए हमारा जो एक स्पेशलाइज्ड विंग है यूरोप साइकोलॉजी, उसमें हमारे जो टीम है पूरी, उसके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी ऑफ लेट ये मुझे आइडिया आया एक इसी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन के दौरान, तो मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उन लोगों ने बताया कि उन्होंने ऐसा काम शुरू किया है। तो इंस्पायर्ड बाय दिस होल आइडिया आई थॉट इट्स वेरी अप्रोप्रिएट टू टेक इट अप एंड आके काम करेंगे हम लोग, ये मैं कह सकता हूँ। अभी हमारे पास कोई ऑफर करने के लिए या कोई सोल्यूशन नहीं, नहीं। ठीक हाँ, इंस्टेबिलिटी जो है वो एक तरह का डर है और अनलाइकलीहुड ऐसा ना हो सभी चाहते हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कल क्या होगा। तो इसके बारे में अगर आज के डिस्कशन में कुछ थॉट्स आते हैं तो जरूर मैं भी उसको सुनूंगा और मैं भी सोचूंगा उस बारे में। ठीक है, ऑलराइट। Would any of the RT forum members like to ask any जो questions? जो धारणा बन रही है धीरे धीरे शिक्षकों से भी, और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो डिफरेंट लेवल पे फंक्शनरीज हैं, उनका भी ये कहना है कि अब हमें ब्लेंडेड मोड के बारे में हमेशा तैयार रहना चाहिए, कभी भी हो तो हम स्विच कर सके, या जो साधारण सामान्य परिस्थिति है और स्कूल अगर खुला भी हुआ है तो वहां भी अगर हम ब्लेंडेड मोड को ला सके तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ा सके। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कहाँ किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, तो मैं एक छोटे से इनिशिएटिव की चर्चा यहाँ जरूर करना चाहता हूँ कि अभी बहुत ताजा ताजा हमने एक काम शुरू किया है। हमारे जो ट्रेनर्स हैं, डायट्स, चूंकि हमारे अब इक्विप हो गए हैं, नए लोग आए हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, हाईली एकेडमिक अचीवमेंट है उनका, और हालांकि उनके पास प्राइमरी एजुकेशन का बहुत एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट पिछले 2-3 साल से वो हमारे साथ हैं, तो थोड़ा बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हुई है। लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कैसे हम काम को, शिक्षक के काम को, पढ़ाई लिखाई को आसान बना सकते हैं, इस पे एक ऑनलाइन कोर्स है जो टिस ने डेवलप किया है, और टिस ने इसे देश के एक दो राज्यों में लागू भी किया, चलाया भी था। तो हमें जब पता चला इस बारे में, तो अभी हमने इसको लॉन्च ही किया है, तो उसमें अभी तक हमारा जो एनरोलमेंट है अराउंड 500+ है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये लोग इस कोर्स को प्राप्त करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल वाला पूरा हिस्सा है, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं स्मार्ट क्लास बनवा दूंगा या एक लैपटॉप दे दूंगा टीचर को या एक टैबलेट दे दूंगा, या कक्षा में एक डिवाइस अगर आ जाएगी तो उससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा या बहुत फायदा होगा, मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ।
मैं अक्सर एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है, प्रोफेसर रैंडी पॉश, आप जरूर देखिएगा समय हो तो, द लास्ट लेक्चर। तो उस किताब को पढ़ने से मुझे एक चीज जो समझ में आई, उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी वो है जो, और ये व्यक्ति वो कह रहा है जो कंप्यूटर साइंस का दुनिया का जाना माना प्रोफेसर है, उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी वो है जो आपके काम को आसान बनाते हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो मैं इस दृष्टिकोण से इस पे सोचता हूँ, और हमने अभी जो ट्रेनिंग शुरू किया है तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में हमें कुछ और इंसाइट्स मिलेंगी, प्रोबेबली वी विल लुक फॉरवर्ड एंड गो बियॉन्ड दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। All right. There is a question in the chat from Madhur Uzama. There has been realignment in learning outcomes. I want to know what kind of realignment has been done. Has the easy outcome been adopted or number of outcomes been reduced? Some clarity. So if you can talk a little bit ki aapne realignment kaise kiya. Usme बहुत सरल और संक्षेप में कहना चाहूंगा, क्योंकि उसको उसके लिए पूरा एक सेशन ही चाहिए, और मैं उसके लिए बहुत ही उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं उसको बहुत एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं ये कहूंगा कि हमारे जो टीम के एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा और वो इस बारे में डिटेल बताएंगे, लेकिन जो मैंने समझा है मैं आपसे कहता हूँ। जो लर्निंग आउटकम्स हैं कक्षावार और विषयवार, वो बहुत क्लियरली डिफाइंड है, और वो थोड़ा हायर साइड पे पैक्ड रहते हैं, आप समझ सकते हैं। गोल सेटिंग जो होती है वो थोड़ा हायर साइड पे रहती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने की चेष्टा की है। दूसरा, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स की उपलब्धता को देखते हुए कि हमारे पास कितना समय बचा है, डिस्काउंटिंग ऑल द जो होता है ना कि इस वजह से बंद रहेगा, इस वजह से बंद रहेगा, तो अब जितना समय बचा है उसमें हम कितना पा सकते हैं आसानी से। और दिक्कत यह है कि बच्चों के पास पिछला जो जो पूर्व ज्ञान है वो काफी कम हो गया है, वो वापस चले गए, जो सीखा था उसमें से बहुत सारा भूल गए, और उसको उन्हें पुनः उसी लेवल पे ले आना। तो हमने पहले तो ये मैसेज देने की चेष्टा की है कि करिकुलम का जो लर्निंग आउटकम है, आप सीधे उस पे आने के बजाय पहले आप क्विक डिपस्टिक कर लीजिए, क्विकली असेस कर लीजिए, नॉट नेसेसरली पेंसिल पेपर बेस्ड टेस्ट से, बट शिक्षक जिन उपायों का इस्तेमाल कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन के लिए करते रहे हैं अपने ज्ञान और अनुभव से, उनका उपयोग करते हुए पहले ये असेस कर लें कि कहाँ से शुरू करना जरूरी है। तो हो सकता है कि गोल पोस्ट वो थोड़ा पीछे खिसका ले, वहां से शुरू करें और वहां से ले आए। तो इसका एक स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि हमने लर्निंग आउटकम्स की संख्या घटाई है, प्लस हमने उसमें क्लबिंग की है कि आप इसमें से प्रायोरिटाइज कर लीजिए और इस वाले को, जैसे आपको याद होगा जब हम ट्रेनिंग का मैनुअल बनाते थे तो ट्रेनिंग के सेशन प्लान्स में ये बनाते थे, जैसे 5 दिन की ट्रेनिंग है और हर दिन 5-5 सेशन होंगे, तो 25 सेशन अगर हमने बनाए तो हमने ये कहा कि इसमें आपके 20 सेशन ऐसे हैं जो नॉन निगोशिएबल है, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू, राइट। तो उसमें से 25 में से 20 ऐसे होंगे जो नॉन निगोशिएबल होंगे और 5 ऐसे होंगे जो निगोशिएबल होंगे, तो वो फ्रीडम भी टीचर को हम देंगे कि टीचर इसके अलावा जी। Thank you. This is very useful. I think based on this, people can work out what they want to do. We still have a few minutes. If there are any questions you want to ask, please enter in the chat. Srijita, if anybody you think should speak, ask them to speak. Otherwise, I am asking one or two more questions. सर, एक बात बार बार सुनने को ये आती है कि हालांकि स्कूल में बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल से इधर आ रहे हैं, पर पहले से जो बच्चे आ रहे थे उनमें से कईयों का ड्रॉप आउट हो रहा है, विशेष तौर पे लड़कियों का हो रहा है, क्योंकि घर में डोमेस्टिक वर्क में उनको ले रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कहीं ट्रैफिक की किंग को बात करता है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो कुछ हद तक, मतलब किस हद तक ये बात सही है कि उस तरह का ड्रॉप आउट है या हो रहा है या होने के खतरे में है, और किस तरह के कदम हम उठाना चाह रहे हैं? सुबीर, इसमें हमारे पास कोई एविडेंस है अभी एज ऑफ नाउ
कि ड्रॉप आउट हो रहा है, क्योंकि हमने कोई ऐसा सर्वे या कोई ऐसा आंकड़ा एकत्रित नहीं किया है सिस्टम लेवल पे या सैंपल लेवल पे भी. तो गेटिंग क्यू फ्रॉम व्हाट यू आर सजेस्टिंग, तो हम इसका एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि क्या इस तरह की घटनाएं हो रही है, ड्रॉप आउट हो रही है या नहीं, क्योंकि सितंबर में भी स्कूल खुला है, सितंबर अक्टूबर और ये तीसरा महीना है, तो प्रॉब्ली हाफ ईयरली का जो समय होता है, हालांकि हाफ ईयरली होगा नहीं होगा अभी इस पे हमें कॉल लेनी है कि हाफ ईयरली हम करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एनएएस होके गुजरा है. तो एनएएस होके एनएएस के जब आंकड़े आएंगे शायद तो जल्दी ही आएंगे, तो एनएएस के आंकड़ों को देख के पता चलेगा कि एनरोलमेंट वीजा भी अटेंडेंस क्या था, तो उससे एक वाइल्ड गेस हो सकता है कि कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए, या वो शायद अटेंडेंस का भी इशू हो सकता है, ड्रॉप आउट का इशू नहीं भी हो, तो उससे शायद कुछ इनसाइट मिले. लेकिन आई डोंट माइंड गोइंग फॉर अ सैंपल सर्वे कि क्या ड्रॉप आउट के घटनाएं हो रही है क्या, और वो उसका कोई जेंडर एंड सोशल फेस भी है क्या. या आई थिंक वी विल शेयर विद यू अदर रिपोर्ट्स, आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक ऑन यूपी, बट आई हैव सीन reports which say that child labor is increasing or number of girls in domestic work is increasing or trafficking is increasing. Aise kuch aate rehte hain, they are a bit random, but it will be good as you are saying, agar aapke jab school khul gaye hain to teachers se baat, wohi teachers hi bol sakte hain kitne bacche jo pehle the abhi nahi aa rahe hain ya kam aa rahe hain, so that itself is a very good indicator. Yes. Okay. Moving on to a slightly different. There is no denying कि लेबर बढ़ रहा है और इस तरह का स्कूल पे उसका कितना रिफ्लेक्शन है उसके लिए probably up to best of my mind हमको टीचर्स के साथ बात करके या थोड़ा सर्वे करके, थोड़ा सिस्टमेटिकली सर्वे करके ये पता करेंगे हम लोग कि ड्रॉप आउट हो रहा है तो उसका कोई जेंडर एंड सोशल ग्रुप है या क्या, तो उससे हमें थोड़ा और ज्यादा deeper insight मिलेगी probably, but मैंने इसको flag कर लिया है. हाँ, yeah, it's an issue, इसको देख सकते हैं. एक जो दूसरा आपने बात बताई, एक जो positive पहलू हुआ है pandemic का, कि एक मुझे तो इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि one myth has taken a beating. This myth is कि government teachers सारे बेकार होते हैं. इस myth को बहुत फैलाया जाता था पहले, और now it has been shown quite conclusively the that government teachers have, many of them have stepped up and done good things. There's also been a lot of collaboration between communities, teachers, as you pointed out. So is there any strategy or any plan of how to preserve the collaboration that has begun and how to build on it, how to take it further? क्या हम एक ऐसे स्कूल की परिभाषा देख रहे हैं जहाँ पे स्कूल एक सबका मिला जुला प्रयास है, ये बात और ज्यादा साकार होती हुई दिख रही है, उसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं हम? जब स्कूल नहीं खुले थे और शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमने शिक्षकों से ये अनुरोध किया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक से ही वो स्कूल आएंगे, और उनको और भी काम दिए गए थे जैसे डेटा रिलेटेड काम और टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा शुरू हो गया था, तो उस तरह के कामों को हमने दिया था, ये स्कूल की साफ सफाई मरम्मत ये वो, तो उसमें पढ़ाई वाला काम स्कूल में नहीं हो रहा था क्योंकि बच्चे नहीं थे. तो मुझे लगता है कि उस समय का सबसे अच्छा उपयोग शिक्षकों ने खुद ही निकाला कि वो स्कूल आए और फिर कम्युनिटी में चले गए, तो एक किसी मोहल्ले में गया और वहां पे लोगों को इकट्ठा किया, बच्चों को इकट्ठा किया, तो मुझे उसके वीडियोज आने लगे छोटे छोटे, होता है आजकल एक्सेस है टेक्नोलॉजी पे और आप तुरंत बहुत ही प्रसिद्ध हो सकते हैं, और अगर वो अच्छा है वीडियो तो वायरल हो जाता है, फिर उसकी अखबार में खबर छप जाती है. इट हैपेंड लाइक दैट. तो फिर हमने अपने लोगों से बात करी और फिर हमने लोगों का ऑनलाइन एक बार किया, तो उससे मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि पीपल हैड लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर, खत्म ही नहीं हो रहा था, इतनी कहानियां थी लोगों को सुनाने के लिए. कहानी मतलब नेगेटिव टर्म्स में नहीं कह रहा हूँ, दे हैव लॉट ऑफ टेल एक्सपीरियंस टू शेयर, और अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लोग उत्सुक थे, तो फिर हमने उसकी सीरीज किया. तो मैंने जैसा कहा था कि लगभग 1500 लोगों का हमने डेटा कलेक्ट किया, मैं उसको कैसे और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ या उस पर कैसे कैपिटलाइज कर सकता हूँ, येट आई हैव टू फाइंड आउट
ताकि वो ठीक है आई एम आगे होपिंग भी हमारे दैट साथ रहे। पार्टिसिपेंट्स एंड मेंबर्स हु आर हियर गिव योर सजेशंस बट आई एम ए बिलीवर और इन बोथ टर्म्स तो शिक्षकों में मैं भरोसा करता हूँ और मेरा जो अनुभव है कि वो मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि स्कूल में अगर बदलाव हो सकता है तो शिक्षक ही बदलाव कर सकते हैं और हमारे मेरे साथ पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैं एक सही समय पे हूँ जहाँ पे हमारे साथ नए लोग काफी आए हैं पिछले 3 साल में जो हमारे यहाँ नए रिक्रूटमेंट्स हुए दे आर यंग एनर्जेटिक एंड ओपन टू न्यू आइडियाज और ऐसा नहीं जब आप उनको बोलेंगे तभी वो काम शुरू करेंगे जैसे कक्षा में अक्सर होता है ना जब शिक्षक आएंगे और बोलेंगे किताब खोलो तो बच्चे किताब खोलेंगे नॉट लाइक दैट उस माइंड सेट बिल्कुल बाहर है एक उदाहरण मैंने आपको ये मोहल्ला क्लास वाला दिया है इसके अलावा भी मेरे पास काफी सारे उदाहरण है जहाँ शिक्षकों ने अपने लेवल से जो काम किया हमने उसको इनफैक्ट एक किताब में डॉक्यूमेंट भी किया है उसको हमने पब्लिश भी किया था मैं आपसे शेयर करूंगा नाउ द चैलेंज इज दैट व्हाट हैपेंड इन इमरजेंसी शुड कंटिन्यू इन नॉर्मल आल्सो That's what. मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है जी चलिए थैंक यू सो मच वी लैंड ऑन दिस पॉजिटिव नोट विद यू थैंक यू वेरी मच सेवेन आई लुक फॉरवर्ड टू मोर फ्रॉम यू इन द फ्यूचर ऑल द बेस्ट थैंक यू Dr. Shanta Sinha has joined us so let's listen to her everyone knows Dr. Shanta Sinha I am not going to introduce her Shanta ji go ahead we are waiting to listen to you